मैं नंबर एक पर ले रहा हूं, मैं नंबर एक पर ले रहा हूं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था। आप सुनिए भाई, अब आप हमारा समय ले रहे हैं। नंबर एक पर नियम 56 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना और माननीय श्याम सुंदर शर्मा, ये बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के बारे में और संक्षेप में जो सब चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पूरा सुने हम लोग और काम भी बीच में निपटा लें, इस दृष्टि से संक्षेप में कह दीजिए। हर कि आज आपने सदन की जो परंपरा है, नियम है, आज आपने उनको संरक्षित किया है और जो तय हुआ था उसी क्रम में आज ये कार्यसूची जो आपके निर्देशन से तय हुई थी उसी क्रम में चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 4.5 साल की सरकार में अभी हम टोकते नहीं लेकिन टोक रहे हैं आप। कार्यस्थगन की जो नियमावली में व्यवस्था है, व्याख्या है, तो किसी एक सुनिश्चित घटना पर होती। आपने पहले ही कहा कि 4.5 साल से गड़बड़ है सब यहाँ, तो अब थोड़ा तो वो तो नहीं कहा जा सकता। वही तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे 4.5 साल की वजह से ही तो ये बड़ी घटना का अंजाम मिला। नहीं, 4.5 साल हम नहीं बोल सकते, और विषय हम बोल सकते हैं। लखीमपुर की जो घटना, जब आपका नंबर आएगा अभी इसमें बोलने में जो अनुपूरक है उसमें आप 4.5 साल बताना, इसमें तो एक घटना कोई बताओ। लखीमपुर की घटना पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हजारों किसान शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जो 3 काले कानून उनके खिलाफ। वहां पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम दौरा लगा हुआ था। वहां पर जो किसान थे वो भुगतान को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, गन्ना मूल्य के भुगतान को। सांसद एवं गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी जी ने रास्ते में गुजरते वक्त जिस तरह से किसानों को वहां पर उस्ताने का प्रयास किया, घटनास्थल पर मौजूद जो वहां पे गृह राज्य मंत्री उनके बेटे आशीष जी ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचला, और ये हम नहीं कह रहे, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें 4 किसान और 1 पत्रकार की दर्दनाक मौत हुई। ये मौत नहीं थी अध्यक्ष जी, ये हत्या थी, निर्मम हत्या थी किसानों की। उसके बाद लगातार वहां पर किसी को भी जाने से रोका जाने का प्रयास किया गया। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जब वहां पर रात में पहुंचने का प्रयास किया, उन परिवारों को संवेदना व्यक्त करना जाना चाहती थी। सबने देखा रात के 3-4 बजे उनको अरेस्ट करके बिना वारंट के उनको करीब 42 घंटे तक, 48 घंटे तक जेल में रखा गया। हमारी मांग पहले भी यही थी कि SIT की जांच हो, और जिस तरह से ये घटना में किसानों को की हत्या की गई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। SIT सरकार ने बनाई, रिटायर्ड जज न्यायाधीश के अध्यक्षता में बनी SIT की रिपोर्ट परसों आई। उसमें स्पष्ट हो गया कि सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे और उनके समर्थकों के हाथ खून से रंगे हुए हैं किसानों के। जिस तरह से ये घटना हुई, जो SIT की रिपोर्ट आई है, SIT तो सरकार के ने बनाई थी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। आज जब SIT की रिपोर्ट आ गई है, तो मैं सवाल पूछना चाहती हूं सरकार से, क्या वजह थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे थे, उनको पुलिस पकड़ तक नहीं पाई? किसको बचाने की कोशिश कर रही थी सरकार? सामान्य परिपाटी ये है कि जो इस आदरणीय सदन का सदस्य पर यह घटना सदस्य है, घटना तो उसके बारे में चर्चा। मैंने आशीष मिश्रा का नाम लिया, वो एक सामान्य परिपाटी है, साधारण व्यक्ति है वो, और वो मुख्य आरोपी है इस मामले में। उनको बचाने का सरकार ने लगातार प्रयास किया, और जो भी हमारे वरिष्ठ नेता विपक्ष के जिन्होंने मौके पर जाने का प्रयास किया, उनको या तो अरेस्ट कर लिया गया या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो अब आपका विषय तो आ गया। अध्यक्ष जी, मेरे 2 सवाल हैं, मैं जानना चाहती हूँ,
और मैं नहीं जानना चाहती हूँ, इस देश के प्रदेश के किसान जानना चाहते हैं, ये उनके अधिकार का सवाल है। क्यों नहीं अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का को बर्खास्त किया है सरकार ने, जिनका नाम SIT की रिपोर्ट में स्पष्ट है? क्या कार्रवाई सरकार से पूछूं, सरकार क्या कार्रवाई करेगी? जो लोग इसमें आरोपी हैं क्या क्या कार्रवाई कर रही है? क्या सरकार उन परिवारों को सरकारी नौकरी, जो किसानों के परिवार इसमें जिनकी हत्या हुई है, उनको उनके साथ सरकार की क्या सहानुभूति? ठीक, मैं पूछता हूँ, क्या उनको मुआवजा आपके सारे सरकारी नौकरी सरकार देगी? अब आप संक्षेप कर दीजिए, जवाब दिलवा दीजिए। तो ये बड़ा गंभीर विषय है।